नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जो मंगल महाराज की गोचरी स्थिति बन रही है। मंगल महाराज स्वतः के राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 नवंबर से मंगल महाराज वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। गुरुवार के दिन 28 दिसंबर तक मंगल महाराज यहीं पर रहेंगे। तो मंगल की जो गोचरी स्थिति है वो आपको क्या लाभ दे के जा रही है, 5 मिनट में, ठीक। तो कार्तिक मास की आप लोगों को मंगल में शुभकामना। आज से कार्तिक मास आरंभ है और कार्तिक मास यम दीपदान यमुना स्नान का है। तो मैं तो यमुना स्नान में आज से संलग्न हो गया हूँ। परमात्मा जितने दिन अवसर देते हैं, आपके पास जब कहीं भी यमुना जी हैं तो स्नान करें, नहीं भी हैं तो प्रातःकाल उठ के बाकेट में पानी रखे, गंगा जय, यमुना जय, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जलम सन्निधिम को, ठीक है ना, आप उसी जल में बुला लीजिए और स्नान करिए। सूर्योदय से पहले स्नान करें, बिल्कुल आपका स्वास्थ्य 12 माह अच्छा रहेगा। 12 माह के लिए स्वास्थ्य अच्छा आपका। 1 महीने रिचार्ज करिए, 12 महीने आराम करिए। दीपदान, इस माह में दीपदान करने से यमराज का भय खत्म हो जाता है, यम का भय, दुर्घटना का भय। तो मंगल महाराज आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपके धन के घर में, आपके सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, स्वतः द्वितीय भाव में बेहतर लाभ देंगे धन के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? धन के क्षेत्र में बेहतर लाभ देंगे। व्यापार आपका द्विगुणित गति से भागेगा, व्यापार आपका पंख लगा लेगा, चलो उड़ चलते हैं, ठीक है ना। तो व्यापार उड़ना शुरू करेगा। पैसे आप इतना कमाओगे कि पैसे बैंक में जमा कर पाओगे। अब आप में से कुछ 10% लोग, 10 नहीं, 2-3% लोग रोते रहते हैं। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत ही अनुभव है, आप किसी भी राशि पर वीडियो बनाओ, उसमें से 5-10% लोग रुदाली टाइप होते हैं, वो हर जगह रोते रहते हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा, लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं, भैया आपका रियल में कुछ नहीं होगा। लेकिन मज़े की बात है, फिर भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है ना। दुर्भाग्य ये है कि फिर भी आप घूम घूम के वीडियो देखते हो। देखो, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, आप लेना चाहते हो कि नहीं। और ये चीज़ आज से नहीं है, आप महाभारत का रण देखें। महाभारत के रण में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, कितने लोग सुनने गए थे? कोई नहीं गया। तो ज्ञान ऐसा ही है, वो सबको पचता नहीं मेरे भाई। यहाँ पे आपके राशि पे 60 करोड़ लोग हैं, तो 60 करोड़ लोगों को लाभ नहीं होगा, लेकिन जो जागृत अवस्था में है उनको डेफिनेटली मंगल देव बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। अगर इसे 1-1.5 माह में आप पैसा नहीं कमा पाते तो फिर पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसे का स्रोत अगर आप नहीं खोल पाओगे तो फिर जीवन में पैसे का स्रोत नहीं खोल पाओगे। एक कहावत है गांव में, आंधी के आम, सुना है ना, मतलब आंधी चल रही है, उस बीच में अगर आम आप नहीं प्राप्त कर पाते तो आम आपको फ्री में कभी नहीं मिलेंगे। यही वक्त है फ्री में प्राप्त करने का। आपके आने वाले टाइम में आपके लाभेश धन के घर में, आपकी कुंडली में आपका व्यापार का स्वामी, धन का स्वामी, धन के घर में डेफिनेटली बेहतर फल देंगे। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्टिंग गुरु के विशाखा नक्षत्र से कर रहे हैं। चाहते हैं कि विशेष शाखा में आप बटिए और गुरु महाराज भी मंगल की राशि में और आपके शुक्रदेव के भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अब नहीं तो कब मेरे भाई, उठिए, जागिए, आगे बढ़िए। इसके बाद शनि के अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद मंगल महाराज बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। हो सकता है गुरु के नक्षत्र में आपको बहुत लाभ ना हो, लेकिन गुरु क्या है, रास्ता बनाएंगे। गुरु आधार तैयार करेंगे जिसपे बिल्डिंग तैयार हो। गुरु वो रास्ता देंगे जिसपे आप पैसे कमा सको। यहाँ पे जैसे शनि के नक्षत्र में जाएंगे डेफिनेटली लाभ होना शुरू हो जाएंगे और बुध के नक्षत्र में डेफिनेटली देकर जाएंगे। आने वाले 1 दिन के पश्चात सूर्य देव भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। लाभ का स्वामी सीधे बैंक में, मतलब पैसा सीधे बैंक में। तो मुस्कुराइए क्योंकि अब लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। शुभ परिणाम के लिए क्या करें? शुभ परिणाम के लिए सदैव याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे अच्छा लाइट शो परमात्मा के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं सनराइज। उससे अच्छा लाइट शो हो ही नहीं सकता, लेकिन कितने लोग वो लाइट शो देखते हैं? 1% लोग भी नहीं देखते भाई। हम में से 90% लोगों को प्रातःकाल ही नींद ज़्यादा आती है। राहु आच्छादित कर रखा है, जगने नहीं देता, अलार्म लगाते हैं सो जाते हैं। तो आप जागृत होंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप जागृत नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। वर्षा हो रही है, बाहर निकलोगे भीगोगे, रूम में बैठे रहोगे, वर्षा हुई कि नहीं हुई पता नहीं चलेगा। तो यह अवसर धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए है। मंगल महाराज
एक और पॉइंट नोट करके रखिएगा, इस बीच आप और आपके जीवन साथी धन कमाने के लिए दूर हो रहे हैं। किसके लिए? धन कमाने के लिए। तो अगर घर में थोड़ा विवाद हो रहा है ना, कुछ दिन के लिए चले जाइए, एक दो माह के लिए बाहर। बाहर जाते ही अवसर मिलेगा कमाने का। खान पान से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, कुछ बिना सोचे समझे आप स्टार्ट कर दो 16 तारीख के बाद। खान पान से रिलेटेड जो भी वर्क है डेफिनेटली आपको लाभ होगा, ना लाभ होने के पीछे कोई रीजन ही नहीं है। तो मंगल देव की आराधना करिए, मंगल का स्टोन मत पहनिएगा, मंगल का स्टोन आपके लिए एक्सीडेंटल है। एक और पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि देखो मंगल जब चलेंगे ना तो मंगल यहाँ पर डबल मार्केस हैं। मंगल पैसा भी देंगे, मंगल साथ में चोट भी देंगे, मंगल आपको रोग भी देंगे। आपके कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं वो अभी तुला राशि में, सॉरी कन्या राशि में, 30 नवंबर को तुला में आएंगे। तो यहाँ पे आपको विदेश से लाभ तो होगा, विदेश से लाभ तो होगा, लेकिन थोड़े से दुर्घटनात्मक स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी करें, और संभव है तो कवन सुपाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बंदरों को ना थोड़ा सा खिलाते रहिए, बंदरों को खिलाना बहुत आपके लिए कल्याणप्रद होगा। मैं तो अभी बीच में था तो काफ़ी मेरे पास कपिवर आए, उनको खिला के बड़ा आनंद आया। वो तो आपके लिए वीडियो लगा दूँ, आप भी आनंद लीजिए। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, हमारी टीम के साथ और हमारे साथ बने रहिए। आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए नंबरों पर संपर्क करिए, मैं और मेरी टीम आप लोगों के सहायता। राधे राधे।